इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में हिस्सा लेने की वजह से मात्र 15 साल की उम्र में चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट में पेश किया गया। मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और मेरा घर जेल है। तुम्हें सजा सुनाई जाती है, 15 करोड़ की सजा सुनाई जाती है। जिसने देश के लिए मर मिटने की कसम खाई है उसे डराने के लिए 15 करोड़ की सजा क्या? 15 करोड़ सुनाई जाए, लगाए जाए, कोड़े लगाए जाए। आज मैं भारत मां को साक्षी मानकर कसम लेता हूं कि मेरे देश के आजादी के लिए मैं प्राण दे दूंगा। मैं अंग्रेजी हुकूमत के हाथ कभी नहीं लगूंगा। मैं आज से आजाद ही रहूंगा। दूसरी तरफ राम प्रसाद बिस्मिल के कोड़े कोड़े इंसिडेंट के हीरो हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और उन्हें पकड़ कर बहुत टॉर्चर किया गया। आइए देखें एक दृश्य उस वीर राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन के पन्ने से। ये जितने घाव है सीने पे सब फूलों के गुलदस्ते हैं। मैं पागल ही रहूंगा, हमें पागल ही रहने दे, हम पागल ही अच्छे हैं। कोई कह दे इन अंग्रेजों को आजाद इनके हाथ ना आएगा, इनकी फूकों से वो चिराग बुझ ना पाएगा। आजाद इनके हाथ का आएगा, आजादी इन्हें चाहिए और हमें आजादी सरफरोशी की गुंजना अब हमारे दिल में है। देखना है जो कितना आजादी का जज्बा
स्वराज 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 हा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी स्वराज स्वराज ज्याला देश नाही नाही असा मनुष्य असू शकत नाही. देश कार्य म्हणजेच देव कार्य. या दुर्मी ब्रिटिशांविरुद्ध लढण्याची वेळ आली आहे. हे ब्रिटिश बाहेरून आलेत, परकी आहेत आणि तरीही आपल्यावर राज्य करतायत. वेळ आली आहे की आपल्यास एकत्र येण्याची, लढण्याची, ब्रिटिशांशी दोन हात करण्याची. स्वराज 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 खूप झाला विचार, खूप झाला योजना. हे विचार प्रत्यक्ष राबवण्याची वेळ आली आहे. घराचे दोर केव्हाच कापण्यात आले. आता वेळ आली आहे मरा किंवा मारा, आणि असाच असेल तर महाराज. ही जुन्नी ब्रिटिश या हिंदुस्थानाचे तुकडे करून पाहत आहेत. आपण एकमेकांमध्ये जितके लढू अधिकाधिक ब्रिटिशांचे गुलाम हो. वेळ आली आहे की एकत्र लढण्याची, एकत्र येण्याची. 1857 बंड का मोडलं? राणी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे यांची बलिदान वाया गेली, कारण आपण एकत्र कधी लढलोच नाही. अखंड हिंदुस्थान, हा अखंड हिंदुस्थान या ब्रिटिशांसमोर उभा थाकला, उभा राहिला तर या ब्रिटिशांना अखंड हिंदुस्थानाशी लढणं अवघडच नाही तर कठीण आहे, अशक्य आहे. स्वराज स्वराज स्वराज. आता एकच ध्यास, एकच मंत्र, स्वराज. आणि संपूर्ण स्वतंत्र मिळाल्याशिवाय मी गप्प बसणार नाही. कितीही संकट आली, आभाळ जरी कोसळलं तरी त्यावरही पाय ठेवून उभा राहील मी. स्वराज 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 स्वराज.